Sir, the household around 65,000. We have backyard poultry population also here. Every year, 9 crore. We have different ongoing development dairy program, IP, national, AI, worldwide. We have an important program, ABIP. I congratulate all my para staff and my veterinarians for working hard for this, going door to door production of this district. Sir, काम किया है जुड़ी भैया, बहुत काम किया है, दिन रात आप लोगों ने काम किया है, जिसकी वजह से मॉडल भी काम करते हैं। जख्मी गोरी भी आपके पास आते थे तो मैंने देखा डॉक्टर्स अवेलेबल हर जगह थे उस दौरान या के दौरान उनकी वैक्सीनेशन की टाइम पर, और हमने भी सिर ऊंचा करके बोला है कि एनिमल हस्बेंड्री ने ऐसा काम किया, तो ये अचीवमेंट किसी के लिए है। क्या हम में क्या प्रोफेशन नहीं है? आपके पास काफ़ी एसेट है, आप लोग ये बड़ी एसेट और क्वालिफाइड लोग, आप तकदीर चेंज कर सकते हो लोगों का, लोगों की जिंदगी चेंज हो सकती है। आज से 20 साल पहले हमने देखा है कि लोगों की हालत क्या थी, आज कौन सी हालत है। ये जो चेंजेस आई है, ये जो सिनेरियो आया है, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ गई है, ये भी अभी चेंज करना है। आपका कलीग रोल है, इम्पोर्टेंट रोल आपका है, ताकि लोगों की जिंदगी चेंज होनी चाहिए। पर्पस बनने का है, वो फिर जब लोग समझे। महकमा एनिमल हस्बेंड्री डिस्ट्रिक्ट गांदरबल ने एक प्रोग्राम आज मुनक्कद किया था रिगार्डिंग अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट स्कीम, जो मुख्तलिफ स्कीम्स है डिपार्टमेंट के पास, उनकी जानकारी देने के लिए हमने यहाँ पर एक कैंप वर्कशॉप मुनक्कद किया था। इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट के सारे लोगों को जो लाइफ स्टॉक ओनर्स हैं, जो इसके साथ वाबस्तगी रखते हैं, उनको बुलाया था, अपने स्टाफ को बुलाया था कि ये कैसे हम फील्ड में लाएँ, इसे ऐसे क्या क्या फ़ायदे हैं लाइफ स्टॉक ओनर्स को, फार्मर्स को। तो हमने उनको इन स्कीम्स की, सारों स्कीम्स की जानकारी देने की कोशिश की। तो हम पे डिस्ट्रिक्ट जो लैंड्स है, डिस्ट्रिक्ट मिनी सेक्रेट गांदरबल के जो लैंड्स है, यहाँ पे आज हमने वर्कशॉप कंडक्ट किया इन कोलाब्रेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे हमने जो हमारी अभी यूथ है, जो एजुकेटेड है, क्वालिफाइड यूथ और जिनके पास जॉब्स नहीं, उनको बुलाया था, तो हमने अवेयरनेस दी जो डिफरेंट स्कीम्स इन वोग है अभी डिपार्टमेंट में, खासकर जो गवर्नमेंट का जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो एक बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है, उसमें जो कंपोनेंट्स है, जो स्कीम्स है, उसका हमने जो है यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया। हमने वो लोगों तक यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, वो फ़ायदा उनका कैसे हासिल किया जाए, उनके लिए क्या टेक्निकल गाइडेंस चाहिए, तो ये हमने लोगों तक आज यहाँ पे पहुँचाया। और डेयरी डेवलपमेंट के लिहाज से उसमें स्कीम्स है, जिसमें आप देखिए जो IDDS हमारा इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम है, या होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंसिमेशन, उसका जो वाइडर कवरेज करना है, उसके लिए एक कंपोनेंट है, और राशन बैलेंसिंग का एक कंपोनेंट है। इसी तरह से जो पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा, उसमें हमें जो है ब्रॉयलर, जो हम अभी ऑलमोस्ट हम 80% एग्स जो कंज्यूम करते हैं, और जो हमारा पोल्ट्री मीट यहाँ पे, तो वो भी हम ज़्यादातर जो है इम्पोर्ट करते हैं, जो दूसरी स्टेट्स वहाँ से आता है, तो वो उसमें हमें सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनना है, जो हमारे पोल्ट्री बिजनेसेस है उनको कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए, पोल्ट्री बिजनेसेस को कैसे लक्रेटिव बनाया जाए, अट्रैक्टिव बनाया जाए यूथ के लिए, उसके लिए जो डिफरेंट स्कीम्स है वो उनका हमने डिस्क्रिप्शन दिया, जिसमें ब्रॉयलर मदर यूनिट, जिसमें इन हाउस जो है हैचरी होगी, रेयरिंग स्पेस होगा उसमें, इसी तरह से लो इनपुट टेक्नोलॉजी जिसमें बैकयार्ड पोल्ट्री आता है वो 1000 बर्ड्स कैपेसिटी वाला वो होगा, तो उसके लिए जो स्कीम है, एक फीड मिल जो होगी एनिमल हस्बेंड्री, जो डेयरी डेवलपमेंट सेक्टर है उसके लिए भी, और पोल्ट्री डेवलपमेंट सेक्टर वहाँ पे जो फीड मिल का होगा। इसी तरह से हमने बात की जो फॉडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा, प्रोजेक्ट 28,
तो फॉर्डर की आपको पता होगा जो स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 41% फॉर्डर हमें यहाँ पे है, बाकी हम बाहर से इन द फॉर्म ऑफ साइलेज हम लाते हैं या है चैफेड है जिसको हम त्रुड़ी कहते हैं, तो वो हमारे जो फार्मर से उनको मार्केट से लेना पड़ता है, जिस वजह से जो इनपुट कास्ट है वो बढ़ जाता है, ताकि डेयरी फार्मर्स का या पोल्ट्री फार्मर्स का ये जो बिजनेस है इनको प्रॉफिटेबल बनाया जाए, इनपुट कास्ट को कटियल किया जाए। गवर्नमेंट ने ये डिफरेंट स्कीम्स लाई है तो हमने ये लोगों तक आज पहुंचाया। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू मेंशन जो हमें सपोर्ट मिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, खासकर जो डीसी साहब जो है डीसी गांदरबल, उनका जो हमें सपोर्ट है, जो उनकी गाइडेंस हमेशा हमें हैंड होल्डिंग करते हैं, जहाँ भी हमें सपोर्ट हो उनका चाहिए होता है वो हमें मिलता है। साथ साथ आई वुड लाइक टू थैंक डीसी सर द होल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन।